हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही खास और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सर्जिकल फील्ड से हैं या फिर एनेस्थीसिया फील्ड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन, यानी कि कोई भी ऑपरेशन करना है तो उससे पहले पेशेंट का वो पार्ट सुन करना पड़ेगा या फिर पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा। तो यही दो तीन ऑप्शन है कि उसका वो पार्ट सुन कर दिया जाए या फिर उसे पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाए। तो उसे करने के लिए मेनली हम लोग एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन भी एक एनेस्थीसिया का ही टाइप है, जिसमें कि पीठ में सुई देकर और फिर उन्हें बेहोश किया, उनका जो वो पार्ट है यानी लोअर एब्डोमिनल जो रीजन है, लोअर जो हमारे दोनों पैर हैं और जो हमारे लोअर एब्डोमेन हैं, वो सब क्या होता है कि उन्हें सुन कर दिया जाता है। तो देखिए, इस तरह से ये जो हमारा एक एपिड्यूरल किट होता है, इस एपिड्यूरल किट में ये सारे जो हैं वो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा स्पाइनल कैनाल है उसके अंदर एपिड्यूरल स्पेस होता है, तो उसी में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन करेंगे उसके बाद ही हम लोग जो भी अगर जो भी ड्रग्स जो है मेडिसिन डिलीवर करना है वो हम लोग उसके थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। तो देखिए, इस पोजिशन में पेशेंट को बैठा देना है और पेशेंट को बैठाने के बाद में उसके जो बैक वाला रीजन है, जो पीठ है हमारा, देखिए पहले सबसे पहले पेंटिंग करना पड़ता है, यानी वहाँ की साफ़ सफाई करनी होगी। हमारा हो गया सेवलन स्प्रिट बीटा दिन से पेंटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये कितने अच्छे से स्टरलाइज्ड एरिया पूरा बनाया जाता है, कि आसपास जितने भी स्टरलाइज्ड ट्रेवल वगैरह हैं सीट्स हैं उससे वो एरिया कवर किया जाता है। और फिर एकदम जो हमारा हाथ भी होता है वो अच्छे से हैंड वॉश करके फिर जाके अच्छे से ग्लव्स करके पूरी तरह से स्टरलाइजेशन को मेंटेन करते हुए हम लोग ये प्रोसीडर करते हैं, पूरे एसेप्टिक टेक्निक को अपनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है स्पाइनल कॉलम है और इसमें स्पाइनल कॉर्ड आप लोग देख सकते हैं, और ये जो हमारा स्पाइनल कैनाल है उसके अंदर एपिड्यूरल स्पेस होता है। तो उसी एपिड्यूरल स्पेस में एपिड्यूरल नीडल को इंसर्ट करके फिर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। तो इन सारे प्रोसीडर को लाइन बाय लाइन हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे उन सभी प्रोसीडर को। और ये देखिए एपिड्यूरल कैथेटर, ये जो हमारे ये सारे एपिड्यूरल किट के ही समान हैं, और इसमें हमारा देखिए एक एपिड्यूरल नीडल होगा, एपिड्यूरल कैथेटर होगा, लियोर लॉक होगा, एडेप्टर होता है स्पाइनल जो हमारे यहाँ पे एपिड्यूरल, देखिए यहाँ पे कैथेटर दिख रहा है ऐसे लूप जैसा, ऊपर में एपिड्यूरल नीडल है, फिर यहाँ पे एलो आर सिरिंज है, लोस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज, ठीक है, उसे चेक करते हैं कि हमारा जो नीडल है वो अच्छे से एपिड्यूरल स्पेस में ही गया है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एपिड्यूरल किट में होता क्या क्या है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए सॉफ्ट कैथेटर फिल्टर लार्ज बोर एपिड्यूरल नीडल एंड अ सिरिंज टू कन्फर्म द एपिड्यूरल स्पेस, यानी कि उसमें सॉफ्ट कैथेटर यानी वही एपिड्यूरल कैथेटर होंगे, एपिड्यूरल नीडल होंगे, फिर आपके वहाँ पे सिरिंज होगा, एडेप्टर होगा, लियोर लॉक होगा, और यहाँ पे जो सिरिंज होता है वो एलओ आर सिरिंज होता है, ठीक है। तो उस सिरिंज के थ्रू हम लोग ये कन्फर्म करते हैं कि जो हमारा नीडल है वो कहाँ है, हमारे एपिड्यूरल स्पेस में ही गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द कैथेटर इज़ ट्रांसपेरेंट मैलिएबल ट्यूब मेड अप ऑफ आइदर नायलॉन और टेफ्लॉन। ये जो कैथेटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होने के साथ में वो मैलिएबल होता है, यानी कि उसे मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगा और जिस शेप में लाना चाहेंगे उस शेप में आ सकता है वो ट्यूब, मैलिएबल ट्यूब है। फिर ये बना किससे होता है, तो ये टेफ्लॉन से या फिर नायलॉन से बना होता है। टेफ्लॉन को हम लोग टेट्राफ्लोरोइथिलीन के नाम से भी जानते हैं, तो ये टेफ्लॉन या फिर नायलॉन से बना होगा। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 90 सेंटीमीटर होगी, यानी जो एपिड्यूरल कैथेटर है उसका जो लेंथ है वो लगभग 90 सेंटीमीटर अप्रोक्स होगा। एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि पूरी तरह से एसेप्टिक टेक्निक को अपनाना है, यानी स्टरलाइजेशन को फॉलो करना है, पूरी साफ़ सफाई पूरी एकदम अच्छे से, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। तो हमें सबसे पहले हैंड वॉश करना होगा, अच्छे से स्टरलाइज्ड ग्लव्स को लेना होगा, और फिर स्टरलाइज्ड टवेल और कॉटन वगैरह और स्पंज होल्डर स्टरलाइज सब कुछ लेना होगा, ताकि हम लोग अच्छे से उनकी पीठ की सफाई कर सकें, पेंटिंग कर सकें, और स्टरलाइज्ड एरिया भी वहाँ पर मेंटेन करना होगा। यानी पेशेंट को हम लोगों ने टेबल पर बैठा दिया है, ठीक है, अच्छे से पोजीशन में बैठा दिया उन्हें आराम से सिटिंग पोजीशन में, फिर हमें क्या करना है कि उनके पीछे जो है
वो अच्छे से स्टरलाइज टॉवल को बिछा लेना है, और फिर स्टरलाइज स्पंज होल्डर कॉटन वगैरह तो जो हमारे एनेस्थीशियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने लिया होता है, स्टरलाइज ग्लव्स पहने होते हैं, हैंड वॉश किए रहते हैं, ठीक है। तो एक असिस्टेंट होता है जो कि उन्हें सबसे पहले सेवलोन देंगे, फिर स्प्रिट देंगे, फिर बीटाडीन देंगे, मतलब पूरे अच्छे से पेंटिंग करवाएंगे, यानी पीठ की साफ सफाई करवाएंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो पीठ पर जो भी गंदगी है, जो भी पैथोजेंस हैं, वो सभी मर जाएँ और पूरे स्टरलाइज हो जाए वो एरिया। तो जब हम लोगों ने पेंटिंग कर ली तो उसके बाद हम लोग ये प्रोसीडर को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसीडर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए, एपिड्यूरल किट चाहिए। तो एपिड्यूरल किट को हमें खुद से नहीं खोलना है, हमें एक असिस्टेंट की हेल्प से एपिड्यूरल किट को खुलवाकर अपने जो वहाँ पे स्टरलाइज टॉवल बिछाए उस पर रखवा लेना है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है कि स्टरलाइज किट हमारा खुल गया तो हमें पेशेंट जो है पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी पीठ की सफाई हो चुकी है यानी पेंटिंग हो चुकी है, तो उसके बाद हमें सबसे पहले एपिड्यूरल नीडल लेना है और फिर उनके पीठ में उनका जो बैक स्पेस है स्पाइनल कैनाल में फिर इंसर्ट करना है। स्पाइनल कैनाल के अंदर एपिड्यूरल स्पेस होता है, जब हम लोगों ने अंदर इंसर्ट कर दिया तो इसमें क्या करें, इट शुड नॉट बी एडवांस्ड मोर देन 5 सेंटीमीटर इनसाइड द एपिड्यूरल स्पेस, यानी एपिड्यूरल स्पेस में वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसे इंसर्ट नहीं करना है, 3 से 5 सेंटीमीटर नॉर्मली रखना है। उसे हम लोगों ने इंसर्ट किया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद क्या करना है कि एपिड्यूरल स्पेस को कन्फर्म करने के लिए हमें उसमें एलओआर सिरिंज, जो एक सिरिंज था LOR सिरिंज, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज, ठीक है, तो उससे वो स्पेस कंफर्म करना है। जब वो स्पेस कंफर्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि जो हमारा एपिड्यूरल कैथेटर था तो उसे उसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करेंगे तो उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो यानी पीछे का जो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, उसमें हमें लियोर लॉक कनेक्ट करना है और फिल्टर कनेक्ट करना है, ठीक है। ये फिल्टर का काम क्या होता है, द फिल्टर एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर बैक्टीरियल वायरल एंड फॉरेन बॉडीज, यानी कि कुछ भी मान के चलिए बाहर से पैथोजन एंट्री कर रहे हैं, फिर फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो उन्हें वो एंट्री नहीं करने देगा, ठीक है। वो फिल्टर है एक तरह का जो कि उन्हें एकदम बाहर ही रोक देगा, जैसे कि आर ओ में फिल्टर होता है तो जो भी गंदगी बालू वगैरह जो भी गंदगी होती है उसे छान कर वो अच्छा पानी स्टोर करता है, तो इसी तरह से ये फिल्टर भी है जो कि सारे पैथोजन को और फॉरेन बॉडी को बाहर ही रोक देता है, नहीं आने देता है, ठीक है, फिल्टर कर देता है। दिस सिरिंज हैज़ अ स्पेशल रोल, लो रेजिस्टेंस प्लंगर विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एपिड्यूरल स्पेस बाय लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू आइदर एयर और सलाइन, यानी कि ये किस लिए करते हैं, मेनली तो एपिड्यूरल स्पेस को कंफर्म करने के लिए करते हैं। हम लोगों को क्या करना है कि सिरिंज लेना है, ठीक है, सिरिंज ले लिए हम लोग, तो सिरिंज लेना है मेनली। यहाँ पर सिरिंज हम लोग को लेने के बाद वो लगभग 10 ml का सिरिंज होता है, और उसका जो प्लंगर होता है वो कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस का प्लंगर होता है, तो उसमें हम लोग एयर फिल करेंगे, मोस्टली एयर ही फिल करते हैं, सलाइन फिल नहीं करते हैं। आप कर सकते हैं सलाइन या एयर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आसान होता है एयर को फिल कर लेते हैं और फिर उसमें ऐसे पुश करके देखते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, कंफर्म करते हैं कि हमारा जो ये जो एपिड्यूरल नीडल पड़ा है वो एपिड्यूरल स्पेस में ही पड़ा है। तो वो कंफर्म करने के बाद जो हमारा एपिड्यूरल कैथेटर है वो डाल के लियोर लॉक और हमारा जो फिल्टर है वो कनेक्ट करके फिर इसे अच्छे से फिक्स कर देते हैं, यानी एक टेगाडर्म एक टेप होता है जिससे कि वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट किया है वहाँ पे इसे चिपका देते हैं और फिर अच्छे से मतलब जो भी टेप वगैरह लगाना है इसे फिक्स कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने प्रोसीडर को जान लिया, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन है वो क्यों करते हैं। तो मेनली जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, जो दर्द होता है पेशेंट को, अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ, इतना तोड़ फोड़ हुआ है, अंदर खोले हैं पूरे पार्ट को, उसकी क्या उलट फेर किए, कुछ भी किए, बस ठीक करना है मेनली, तो वो इतना होता है कि दर्द होगा ही, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन को और उसके कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम लोग एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन करते हैं। यानी अगर जिसमें क्रोनिक पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उन्हें उनमें ये जो कैथेटर है वो मेनली 6 सप्ताह के लिए रख देते हैं, ठीक है, पड़े रहता है उनके पीठ में, और नहीं तो ऐसे मेनली इसे हटा देते हैं, अगर नॉर्मल पेन हो रहा है तो फिर कुछ दिन में हटा देते हैं। तो इसका मेन होता है पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है, जो उन लोगों को जो पेन होता है उसे रिलीफ करने के लिए, उनसे उनको आराम दिलवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा एपिड्यूरल कैथेटराइजेशन का जो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, इसका एक छोटा सा मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करें।